आज हम आपको हरी प्याज से मिलने वाले कुछ फायदों के बारे में बताएंगे। हरी प्याज को हम स्प्रिंग अनियन के नाम से भी जानते हैं। हरा प्याज बहुत ही स्वादिष्ट होता है, साथ ही पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। हरे प्याज में सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही इसमें कैलोरी भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आपको इसका सेवन करने से क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले एक निवेदन उन सभी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया हमारे चैनल की सदस्यता को जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारी द्वारा दी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा भी उठा सकें। साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स डीएनए को नुकसान पहुंचने से रोकते हैं। इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है, जिससे कि दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा सल्फर धमनियों से जुड़ी समस्याओं से भी बचाव में सहायक साबित होता है। सर्दी जुकाम में राहत पाने के लिए स्प्रिंग अनियन का इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि ये श्वसन प्रक्रिया को बहुत ही बेहतर बनाता है। हरे प्याज में मिलने वाला सल्फर ब्लड प्रेशर को कम करने में भी सहायक होता है, साथ ही ये इंसुलिन के स्तर को संतुलित बनाए रखता है। स्प्रिंग अनियन में विटामिन सी और के पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये हड्डियों की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए भी फायदेमंद होता है। स्प्रिंग अनियन में पाया जाने वाला सल्फर फंगस और दूसरे संक्रमण को होने से भी रोकता है। रक्त का थक्का जमने के लिए भी आवश्यक विटामिन के इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हरे प्याज में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी हिस्टामाइन गुण मौजूद होते हैं। इस कारण हरे प्याज के उपयोग से गठिया और अस्थमा जैसी समस्याओं में भी आराम मिलता है। हरे प्याज में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरे प्याज के सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है और साथ ही यह आंखों की हर प्रकार की समस्याओं से भी निजात दिलाता है। साथ ही हरे प्याज के सेवन से शरीर और चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियां भी खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।